हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जहां तक कोशिश करेंगे, हम लोग जहां तक हो सके तो कोशिश करेंगे कि इसको करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि आप जा करके पहले इसका इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल का वीडियो देखिए, ताकि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आए। ठीक है, अगर नहीं भी देखने के टाइम में तो कोई बात नहीं, अभी आप इसको कंटिन्यू देखिए, आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ इसमें क्लियर कर दूँ। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। यानी इसमें आपको करना क्या है, आप में आपको दे देगा एपी, एपी का 2 वर्ड हो सकता है, 10-50 जितना भी लाइन दे दे, पद दे दे, उसको आपको क्या करना, योग ज्ञात करना। जैसे मैंने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने पद है इसको योग ज्ञात करो। योग का मतलब जोड़ना है, इसको जोड़ो, 2 इसको है ना, सपोज 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15, यानी कि इसका योग कितना हो गया 15। तो एक 5 वर्ड था, 1, 2, 3, 5 पद था, तो हम लोग आसानी से निकाल लिए। लेकिन वही 50 पद 500 पद दे दे तो क्या होगा? तो एपी तो यहाँ पे 1-2 नहीं ना होता है, होता है कभी 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बड़ा चीज़ दिया हुआ, तो इस चीज़ को हम लोग एपी का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग किस किस फॉर्मूले को किस किस तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे, ये हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए कि हमको किसी भी एपी को बनाने के लिए एसएन की ज़रूरत पड़ती है, ए की ज़रूरत पड़ती है, डी की ज़रूरत पड़ती है, एन की ज़रूरत पड़ती है। और एसएन का मतलब होता है योग, क्या होता है? योग। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एसएन का मतलब योग है, योग ये होता है आपको पहला पद, यानी कि प्रथम पद आपको पहले पढ़ते पढ़ते थक गए, यानी कि डी फॉर डिफरेंट, यानी कि सार व अंतर, क्लियर है? और एन मतलब पदों की संख्या, क्या होती है? पदों की संख्या। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा आपको? पदों की संख्या। अब यहाँ पे अगर एस एच थ्री दे दिया मान लीजिए, तो यानी कि कह रहा है कि 3 पदों का योग, ठीक है। अगर एस 15 यहाँ पे 15 पदों का योग, क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, मतलब कि ये इसी चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, मैंने इस कंसेप्ट समझना था, समझ में आया आपको? तो आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2, 7, 12 डैश डैश करके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का योग, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए? आपको फर्स्ट में एसएन चाहिए, एसएन मतलब योग, जो आपको एसएन इसमें नहीं मालूम, नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? ए, ए यही तो होता है, फर्स्ट वाला पद हमारा ए होता है। चलो उसके बाद डी चाहिए, डी का मतलब सार्व अंतर, क्या होता है? सार्व अंतर मतलब A2 - A1, तो मान लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A2 - A1 यानी कि A2 - A1 यानी क्या हो गया, 7 - 2 = 5, क्लियर है। उसके बाद एन चाहिए, एन कितना? 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक कहेगा तो एन का वैल्यू 10 होगा, 15 पदों तक कहेगा तो एन का वैल्यू 15 होगा, 5 पदों तक कहेगा तो एन का वैल्यू 5 होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए एन का वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारा? 10। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं एसएन, यानी कि इसका योग कितना होगा। तो एसएन निकालने के फॉर्मूला मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एसएन निकालने की फॉर्मूला होती है एसएन बराबर एन बाई टू, है ना, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब आपको sn का वैल्यू इसमें दिया है क्या? नहीं, चलो छोड़ दो जी, नहीं दिया इसको छोड़ दो। n का वैल्यू दिया है क्या? 10, जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2, a का वैल्यू कितना दिया है? 2 लिख लीजिए। n का वैल्यू कितना दिया है? 10 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना दिया है? 5। कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो कितना होगा? 5, इसको निकालोगे 2×2=4, इसका घटाओगे तो क्या होगा? 9×5। अब बताओ कि पहले इसको जोड़ें कि पहले इसको गुणा करें? दो पद दिया हुआ इसमें, पहले हम लोग जोड़ेंगे कि पहले हम लोग गुणा करेंगे? चलो बताओ जल्दी, फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 5, 4, 9, 5, 45। आप क्या कीजिएगा, 5 को ऐसे रखिएगा,
45 और 4 कितना होता है 49। अब इसको क्या कीजिएगा, 5 गुने 49 कीजिए, कितना 49, यानी कि 5 9 45 के 5 हासिल में 4, 5 का 20 4 24, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 245। एसएन का योग कितना हुआ, एसएन बराबर कितना होगा हुआ 245। आई होप कितना क्लियर समझ में आया आपको, समझ में आया तब लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ठीक है ना, माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 डैश डैश करके 12 पदों तक, ठीक है। अब देखोगे भैया इसमें करना क्या है, आपको एस एन नहीं मालूम, ए मालूम है माइनस का 37, डी मालूम है यानी कि ए वन माइनस ए टू, सर ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 33, माइनस कितना करना है ए वन, ए वन कितना माइनस का 37। बच्चों को समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, चलो फिर से समझा रहे हैं, आप पहले देखिएगा आपको क्या बताया गया था, d बराबर a2 माइनस a1, ठीक है ना, a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है माइनस का 33, a1 का वैल्यू कितनी है माइनस का 37, क्लियर है चलो, अरे यार माइनस का 37, ठीक है। तो इतनी बातें क्या करेंगे हम इसको, माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, यानी कि 37 को में से जब 33 घटाइए तो क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, यानी कि चलो भैया ये सब कुछ हमको पता चल गया। अब n बराबर, n बराबर यहीं लिख लेते हैं, n बराबर कितना 12, n बराबर कितना 12, ठीक है ना, चलो n बराबर 12 आया तो अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू है ना डी, क्लियर है चलो। अब इसको कैसे करेंगे, एस एन का वैल्यू तो दिया नहीं है, नहीं दिया इसको छोड़ दो, एक एन का वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12 बट्टा में 2 है ना 2, ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए तो माइनस का 37, माइनस में कोई भी संख्या रहता है ना तो उसको गुना करो या कुछ भी तो उसको ब्रैकेट में डाल दो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। चलो n का वैल्यू 12, क्या 12 माइनस 1, d का वैल्यू कितना आ गया 4, समझ में आ रहा है आपको, इसको काटेंगे कितना होगा 6, इसको गुना करेंगे तो देखिए तो 7 गुना 14 का 4 हासिल में 1, 3 गुना 6 1 7, देखो एक चीज़ काम करना ना यहाँ पे, देखो कुछ नहीं तो प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो पहले साइन को गुना कर लो प्लस माइनस माइनस, फिर संख्या को गुना करना, चलो इसमें से घटाओगे क्या निकलेगा 11 गुने 4, अभी आपको मैंने बताया है कि पहले किसका, पहले गुना यानी कि 11 चौका 44, ठीक है चलो। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे 6, और इसको देखो 44 माइनस 74 में से 44 घटाइए कितना होगा 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, और ये माइनस का वैल्यू आएगा, क्यों आएगा क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, यानी माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है उसी को ना लोग याद करते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए यानी कि 30 गुने माइनस का इसका करेंगे गुना, देखो तो प्लस में है तो यहाँ पर प्लस ही है माइनस माइनस, छात्र का 18 180। तो आई होप कि भी आपको क्लियर समझ में आया कि इस 10 12 पदों का योग कितना होगा बुआ 180 हो।